जहानाबाद में चेहल्लुम के मौके पर पाली इमामबाड़ा पहुंचे शिक्षा मंत्री, मांगी अमन व शांति की दुआ, मोमबत्ती जलाकर हसन हुसैन को दी श्रद्धांजलि। सनमार्ग लाइव के लिए जहानाबाद से मुजफ्फर इमाम के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। दो स्ट्रक्चर रह जाएगा, मतलब कि आप खत्म हो गया मोहर्रम और ये सब फिर लाइनअप हो जाता है, सब फिर नेक्स्ट ईयर से एक मोहर्रम करते हैं। इस पर बैठ के लोग प्रवचन देते हैं, उनकी मंदिर होती है, इसी को बैठ के दिया जाता है। हमारे यहाँ एक पेंटिंग लगी हुई है, मतलब ये आपकी आपके ये नॉलेज के लिए है कि ये सुबह डूबता ही बनाए।